नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, रविवार 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ में जीवनदायिनी महानदी पैरी नदी और सेंडूर नदी के त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ का प्रयाग राज्य में राजिम कुंभकल्प 2024 का गंगा आरती के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर संगम नगरी राजिम कुंभकल्प में अयोध्या धाम का आकर्षक वैभव दिखा। यह राजिम कुंभकल्प रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रामविचार नेताम टंकराम वर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर, विधायक रोहित यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। बता दें कि देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला राजिम कुंभकल्प इस साल 24 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, जिसमें 3 दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 24 फरवरी को पहला कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब 4 मार्च और 8 मार्च को राजिम त्रिवेणी संगम में विशेष स्नान का आयोजन किया जाएगा। इस बार हो रहे राजिम कुंभ में इस बार रामोत्सव थीम पर भव्य झांकी तैयार की गई है। इसमें प्रभु राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल के दौरान पलों को झांकी के माध्यम से बताया गया है। झांकी के प्रदर्शन में लेजर लाइट और साउंड इफेक्ट का समावेश किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। लक्ष्मण झूले को भी LED लाइट से सजाया गया है। राजिम कुंभ को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया था, ताकि इसकी ख्याति देश दुनिया में प्रचारित हो। बता दें कि इस मौके पर संस्कृति एवं धर्म मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभकल्प में संत महात्मा अमृतवाड़ी शिव वर्षा करते हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूरे देश में नदियों और पानी को बचाने में जुटी साध्वी प्रज्ञा भारती का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि नदियों के त्रिवेणी संगम की तरह ही राजिम में 3 जिलों का भी संगम है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है। प्रभु श्री राम का वन गमन मार्ग है। यह पूरे देश और विश्व को पता लगे, इसी उद्देश्य से राजिम कुंभकल्प का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माघी पुन्नी मेला हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, परंतु इतिहास को समृद्ध बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी सरकार ने संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ा और राजिम कुंभकल्प के रूप में आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि माघ माह में छत्तीसगढ़ी की गंगा कही जाने वाली नदी महानदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, जिसे राजिम कुंभ मेला कहते हैं। इसे कुंभ मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर भी देश भर के संत और भक्त एकत्रित होते हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह आदिवासियों का मुख्य मेला है। महानदी पूरे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है और इसी के तट पर बसी है राजिम नगरी। राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोंडूर, पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर बसे छत्तीसगढ़ की इस नगरी में राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुटते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। राजिम कुंभ में भी कुंभ की तरह 1 दर्जन से ज्यादा अखाड़ों के अलावा शाही जुलूस, साधु संतों का दरबार, झांकियां, नागा साधुओं और धर्मगुरुओं की उपस्थिति होती है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का राजिम क्षेत्र रायपुर जिले में महानदी के तट पर स्थित है। यहां राजिम या राजीव लोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है। राजिम का प्राचीन नाम पद्मशिक्त था। पद्म पुराण के पातालखंड अनुसार भगवान राम का इस स्थान से संबंध बताया गया है। राजिम में महानदी और पैरी नामक नदियों का संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्ति माता से है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। एक स्थानीय दंतकथा के अनुसार इस स्थान का नाम राजिम या राजिम नामक एक तैली स्त्री के नाम से हुआ था। कुलेश्वर मंदिर के भीतर सती चैरा है, जिसका संबंध है इसी स्त्री से होता है। यहां भगवान रामचंद्र और कुलेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा जगन्नाथ मंदिर, भक्तमाता राजिम मंदिर और सोमेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर स्थित है। इस स्थान का नाम राजिम तेलिन के नाम पर स्थित इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के तैलीय वंश लोग तिलहन की खेती करते थे। इन्हीं तैलीन लोगों में एक धर्मदास भी था, जिसकी पत्नी का नाम शांति देवी था। दोनों विष्णु के भक्त थे और उनकी बेटी का नाम राजिम था। राजिम का विवाह अमरदास नामक व्यक्ति से हुआ।
राजिम भी भगवान विष्णु की भक्त थी और मूर्ति विहीन राजिम लोचन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। राजिम की भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते ही वह संपूर्ण क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। भगवान के प्रति अपार सेवा भाव रखने व पुण्य प्रताप के कारण ही आज पूरे देश में राजिम भक्तिन माता की अलग अलग पहचान है और संपूर्ण क्षेत्र को ही राजिम कहा जाता है। इसी कारण से ये राजिम कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार माघी पूर्णिमा यानी कि 24 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक मनाया जा रहा है। तो यह थी राजिम कुंभ कल्प से जुड़ी कुछ विशेष खबर। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।